हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि हम आ चुके हैं फिर से बनारस के गोदौलिया रोड पे, जो कि हमें सीधे डायरेक्टली लेकर जाएगा दशाश्वमेध घाट पे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं दशाश्वमेध रोड पे, जो कि अगर सीधे अगर आप जाते हो घाट की तरफ से गोदौलिया की तरफ, तो आपको गोदौलिया चौराहा देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको बता दें मल्टी लेवल का पार्किंग बन रहा है। अभी हम हैं दशाश्वमेध घाट पे, उसके यानी कि रोड पर, जो डायरेक्टली हमें लेकर जाएगा खिचड़ी बाबा मंदिर और चौराहे पे। तो फिर सामने देख सकते थे कि अभी चला गया वो मंदिर था, बृहस्पति मंदिर, जो कि बृहस्पति भगवान का था। सामने देख सकते हैं वो गेट है, और ये सामने आ गए हैं खिचड़ी बाबा मंदिर। सामने देख सकते हैं, ये मेरे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर सुबह के टाइम अगर आते हैं आप, तो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, यानी कि खिचड़ी के रूप में, यहाँ खिचड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आपको खिचड़ी ही खाने को मिलेगी फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा, लगभग 1 किलो। तो फ्रेंड्स, आपका पेट भी भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दें, हम चलने वाले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर, यानी कि जो गेट है जो दशाश्वमेध रोड पर, उसके अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे दुकानें हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें, ये ऐसा मार्केट है कि सबसे ज़्यादा मंदिर के सामान यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे खास बात आपको बता दें फ्रेंड्स, कि इसी रास्ते से आप जा सकते हैं माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने, और काशी विश्वनाथ बाबा के भी दर्शन करने चले जा सकते हैं इसी रोड से। इस गली में देख सकते हैं काफ़ी गुलजार आने वाली गली है, देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे साड़ियाँ, बनारसी और बैग, पर्स, साड़ी, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं चूड़ी वगैरह भी हैं फ्रेंड्स। जब मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ लोगों ने पूछा, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वो बोले रखने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं बोले और मैं बनाना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। मैं सुबह के टाइम यहाँ गया था तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी थी कतार, जो कि आना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं इस गली से ही आया हूँ और दशाश्वमेध घाट घूमा हूँ और यहाँ का एक ब्लॉग बना दिया फ्रेंड्स आपके लिए। देख सकते हैं काफ़ी चूड़ियाँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स, 25 दिसंबर, आज क्रिसमस का दिन है फ्रेंड्स। खास बात बता दें आपको, यहाँ पे शूटिंग हो रही है सत्यमेव जयते 2 की, जहाँ की जॉनी इब्राहिम चेसिंग घाट पे आए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देखें, काफ़ी अच्छी शूटिंग हो रही है, मैंने देखा उनको। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर दबाएँ, इससे जितने भी आने वाले वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।